नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज और आप सभी के साथ मैं हनुमान द्विवेदी। हमारे साथ लेक्चरर मनोज श्रीवास्तव जी हैं। वर्ड इन वर्ल्ड जो है इसमें क्या खास है? मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव इस पुस्तक की रचनाकार मैं हूँ, ऑथर हूँ। वर्ड इन वर्ल्ड इस पुस्तक को मैंने कैमूर जिला में लॉन्च किया है। इस पुस्तक को भारत सरकार द्वारा मान्यता 5 जनवरी को मिली है। उसके बाद इसका पुस्तक का लिच्छीवन में विमोचन मैंने कराया। इस पुस्तक की खासियत है कि वर्ड पावर, सब लोग जानता है कि वर्ड पावर है तो इंग्लिश है, अगर वर्ड पावर नहीं है तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। वर्ड पावर के तो बहुत सारे मार्केट में बुक्स हैं, ऑक्सफोर्ड है, कॉलिंग्स कॉन्साइज है, नॉर्मन लेविस तो वर्ड पावर का फादर ही हैं जो उन्होंने वर्ड मेड इजी पावर करके बुक लिखी। लेकिन उनसे हट कर क्या है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सर। इस बुक की बहुत बड़ी खासियत है कि एक मीनिंग अगर आप याद करते हैं मेरे बुक के माध्यम से तो आपको 4 मीनिंग याद हो जाएंगे। हर एक बच्चा बोलता है कि लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 कंप्लीट हो गया। वर्ड इन वर्ड सर ये कैसे दिमाग में आया कि ये नाम रखना चाहिए? सर हाँ, वर्ड इन वर्ड नाम दिमाग में इसलिए आया कि मेरे भी बच्चे मीनिंग पढ़ते हैं और वो भूल जाते हैं। हम भी जब बच्चा थे तो 10-20 मीनिंग याद करते थे, 4-5 दिन में पता चलता तो 5 ही को याद है और 10-15 गायब हो गया। तो इस तरह से मैं सोचा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट कैमूर जिला को दूँ जो एक वर्ड याद करे तो उनको 4 वर्ड याद हो जाए, 100 वर्ड याद करे तो 400 याद और वो लाइफ में कभी भूले नहीं। तो इसे जैसे मैंने बोला ना कि लेसन 1, तो लेसन 1 में अब 4 मीनिंग है। लेस मैंने कम होता है, सन मैंने बेटा होता है, अन मैंने पर होता है, लेसन मैंने पाठ। अब इसमें एक बगल में मैंने बुक में अपनी स्टोरी भी दिया है कि बेटा ऊपर कम पाठ पढ़ रहा है। अब लेसन से आपका 4 मीनिंग क्लियर हो गया। मैं बोलूँगा रीड तो सब जानते हैं रीड मैंने पढ़ना होता है, लेकिन हम उसी रीड में बी लगा देंगे तो ब्रेड मैंने पावरोटी हो गया, कोई मेहनत नहीं है। हमने कहानी ब्रैकेट में लिख दिया है कि बेटा पावरोटी खाकर पढ़ता है, रीड और ब्रेड हो गया। ऐसी न जाने सैकड़ों वर्ड्स का मैंने रिसर्च किया है, मैंने उसको तोड़ कर वर्ड बनाया है। हम लोग माइक में बोलते हैं, लाउड स्पीकर में बोलते हैं, तो लाउड स्पीकर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं तो लाउड स्पीकर में अगर स्पीकर हटा दे तो लाउड मैंने चिल्लाना होता है, इधर लाउड हटा दे तो स्पीकर हो गया, स्पीकर में ईयर हटा दें तो स्पीक मैंने बोलना हो गया, स्पीक में एस हटा देंगे तो पिक मैंने चोटी हो गया, पिक में के हटा देंगे तो पी मैंने मटर। यानी का मतलब कि स्पीकर से हम लोग 5-6-7 मीनिंग सीख गए और कभी भूल नहीं सकते हैं। एब्रोड मतलब विदेश होता है, तो अब एब्रोड मैंने विदेश हम जान गए लेकिन उसमें अब देखिए कितना तोड़ा है मैंने, ए हटा दिए तो ब्रॉड मैंने चौड़ा हो गया, बी हटा दिए तो रोड मैंने सड़क हो गया। अब एब्रोड का 3 मीनिंग हम याद कैसे रखेंगे फॉरएवर? तो मैंने ब्रैकेट में कहानी बना दिया है, विदेश की सड़क चौड़ी है, एब्रोड ब्रोड रोड। इस तरह से सर मैं अपने बुक में अपना कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा वर्ड इन वर्ड। सर इसमें क्या खास है? कमज़ोर बच्चे जो हिंदी अंग्रेजी माध्यम के हैं उस वो कैसे अपना? जी हाँ, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो ये राम बाण है, और हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं तो लिटरेचर में स्ट्रांग है लेकिन उनका लैंग्वेज वीक है, उनका वर्ड पावर वीक है, उनका ट्रांसलेशन वीक है, तो उनके लिए विटामिन तो काम करेगा ही। और कमज़ोर बच्चों के लिए इसलिए अच्छा है कि हर एक बच्चा मार खा जाता है जब वो जाता है व्हेन ही इज़ रेडी टू स्पीक इंग्लिश, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, तो प्रॉब्लम उनको हंट करता है। वो प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए इस बुक का निर्माण किया गया है। और इस बुक्स में कमज़ोर बच्चे को अब देखिए एक मीनिंग याद किया, एक बच्चा बीट मैंने पीटना, तो बीट मैंने पीटना वो तो याद करके छोड़ दिया ना, अब भी हम लोग भी पढ़े हैं कि बीट मैंने पीटना होता है। लेकिन इस बुक की खासियत देखिए, बी हटा देते ईट मैंने खाना हो गया, ई हटा देते ऐट मैंने पर हो गया, तो बीट मैंने 3 मीनिंग हुआ ना सर, तो एक बच्चा के लिए उसमें लिखा भी ब्रैकेट में स्टोरी कि उसे खाने पर पीटा गया, तो बीट ईट ऐट 3 मीनिंग हो गया सर। तो कमज़ोर बच्चे इस बुक्स का स्टडी कर लें तो बाप रे बाप उन लोगों को इतनी अच्छी फायदा होगी कि मैंने मैं क्या बताऊँ, उनकी लाइफ वैसे चमक जाएगी जैसे घर में LED बल्ब घर को चमका देता है। और मैं चाहूँगा कि कैमूर वासी हमारे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर वो अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस पुस्तक को ज़रूर खरीदे दुकानों से। तो ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है सर? ये पुस्तक कैमूर के हर दुकानों पर अवेलेबल होने जा रहा है और मेरे इंस्टीट्यूट पर भी अवेलेबल होगा। अच्छा, प्राइस क्या होगा? इसकी प्राइस जो है 499 है, जिसमें 20% बच्चों को डिस्काउंट करके पुस्तक को दिया जाएगा। अच्छा, तो आपने कैमूर वासी जो इस शो को देख रहे हैं
उनसे क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपका क्या संदेश? मैं यही मैसेज दूंगा अपने कैमूर वासियों को, अपने बड़े भाइयों को, माताओं को, बहनों को, कि हर घर में इंग्लिश के लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट होती है। किसी का मैं देखता हूँ कि बहू पढ़ी लिखी नहीं आती है, तो किसी के दीदी अनपढ़ हैं, तो किसी के जीजा जी बहुत कमज़ोर हैं, तो ये सारे लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस पुस्तक के माध्यम से। इसमें हर तरह का, अगर हमें कोई मैंने सामान का लिस्ट भी बनाना है किसी भी तरह का, तो उसका मीनिंग लिखा है। अगर मेरा बेटा मेडिकल पढ़ रहा है तो उसके लिए भी मीनिंग लिखा है। तो मैं यही संदेश दूंगा कैमूर वासियों को कि इस पुस्तक को वो ज़रूर खरीदें, क्योंकि हर घर में हिंदू धर्म में आप देखोगे रामायण और गीता है, मुस्लिम धर्म में कुरान है, बाइबिल है ईसाई धर्म में। तो मैं चाहूँगा कि उसी तरह से इसको भी एक एपिक माना जाए इस पुस्तक को, और कैमूर के लिए तो ये बहुत ही गोल्डन है सर, क्योंकि मैं भी 32-33 साल से कैमूर जिला में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने ऐसी पुस्तक ना देखा है ना मैंने गूगल पर भी सर्च मारा तो कहीं नहीं मिला। तो सर आपके माइंड में कैसे मैंने सवाल आया कि हमको ये काम करना चाहिए, पुस्तक लिखनी चाहिए, कहाँ से? सर मेरे जैसे मैं बहुत सारे बुक्स रखा हूँ, मैं इंग्लिश का तो काफ़ी फैन हूँ और इंग्लिश बहुत पढ़ता हूँ, मतलब मेरे 2-3 गोदरेज किताब इंग्लिश से ही भरा हुआ है। तो मैं हर राइटर का बुक्स खरीद कर लाता था, पढ़ता था, और मैं बच्चों को देता था 20 मीनिंग याद करो, तो 5 याद करते तो 15 भूल जाते थे। तो मैं सोचा कि कुछ नया ट्रिक्स लाऊँ, तो नया ट्रिक्स में मैं अपने दिमाग से सोच किए, अपने थिंकिंग किए कि मैं क्या करूँ कि ये बच्ची काफ़ी प्रोसीड करे अपनी लाइफ में। तो इसलिए मैंने ऐसा सोच किया सर, और इस सोच करके मैंने इस पुस्तक की रचना किया ताकि हर बच्चे वर्ड में वर्ड निकाले। आपका भी बेटा 500 मीनिंग याद किया, हमारे पुस्तक के माध्यम से उसको 2500 मीनिंग याद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो से जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि सर जो है वर्ड इन वर्ड का रचना किए।